नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। जनपद में जान बचाने के लिए यातायात व्यवस्था ठहर गया है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि तरंग ओवरब्रिज के पास सावित्री हॉस्पिटल है, वहां पर एक 40 वर्षीय पेशेंट भर्ती थे जिनको एयर एम्बुलेंस से मुंबई शिफ्ट होना था, जिसकी सूचना प्राप्त हुई जिनकी अचानक तबीयत काफ़ी गंभीर हो जाने के कारण उनके नाक से ब्लीडिंग होने लगी। एसएसपी के निर्देश पर यातायात पुलिस की सहायता से ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराया गया, जिसके पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा स्वयं आईटीएमएस से मॉनिटरिंग की गई, जिसमें सावित्री हॉस्पिटल से विजय चौराहा, गणेश चौराहा, यूनिवर्सिटी चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा व कूड़ाघाट तिराहा होते हुए एयरपोर्ट तक करीब 11 किलोमीटर की दूरी मात्र 9 मिनट का समय लगा। पेशेंट को सावित्री हॉस्पिटल से एयरपोर्ट एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया गया, जिसमें यातायात निरीक्षक मनोज कुमार राय, आईटीएमएस कर्मियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसकी बीमार व्यक्ति के परिजनों द्वारा काफ़ी सराहना की गई। अभी तक 44 मामलों में ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, आज सावित्री हॉस्पिटल जो तरंग और विजय चौक वाले रास्ते पर है, वहाँ एक गंभीर व्यक्ति एडमिट थे, उनके लिए एयर एम्बुलेंस से मुंबई शिफ्ट किया जाना है, ये सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर आईटीएमएस के लिए और ट्रैफिक पुलिस की टीम के लिए और थाना चौकी पुलिस जो भी रास्ते में पड़ते हैं सभी के लिए एक्टिवेट और अलर्ट किया गया। इस प्रकार ये करीब 11 किलोमीटर की दूरी भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक के माहौल में, इस समय पीक पर होता है ट्रैफिक, उनके लिए 12 किलोमीटर की दूरी या करीब 9 मिनट में हम लोगों ने एम्बुलेंस के लिए पहुंचा दिया, जहां से वो एयरलिफ्ट होके मुंबई जो है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए रवाना।